नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप लोगों का फिर से स्वागत है अपने योगी सर के साथ योगी की पाठशाला में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की क्लास 12th की चल रही थी। पहला पार्ट फैराडे तक खत्म हो चुका है। उसके बाद हम लोगों ने कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन पे बात करनी शुरू करी थी और लास्ट लेक्चर में मेटालिक कंडक्टेंस और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के बीच में डेफिनेशन और डिफरेंसेस पढ़े थे। टेम्परेचर के साथ वेरिएशन पड़ी थी, क्यों, कैसे वो कंडक्शन दिखाते हैं, कैसे ये कंडक्शन दिखाते हैं। तो आज का लेक्चर उसी के आगे है। तो आज हम लोग कुछ कुछ फिजिक्स की टर्म्स में बात करेंगे, थोड़ा सा फिजिक्स को भी उठाएंगे साथ साथ। तो पहला है रेजिस्टेंस, प्लीज। दूसरा है जो टॉपिक हम उठाने वाले हैं, दैट इज योर कंडक्टेंस। तीसरी चीज जो आपको आज समझाने वाला हूं वो है स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर, प्लीज मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूं, या फिर कंडक्टिविटी रिप्रेजेंटेड बाय कप्पा। के कप्पा है ये, कप्पा, ठीक है। थर्ड, मोलर कंडक्टिविटी और साथ साथ और की जगह मैं एंड ले देता हूं, ज्यादा फर्क नहीं है क्योंकि दोनों में इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो आज के लेक्चर में ये सारी चीजें पढ़ेंगे, मतलब कंडक्टिविटी ड्यू टू कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है। प्लीज सबसे पहले रेजिस्टेंस पे बात कर लेते हैं। बहुत लोगों को पता है वो प्रॉपर्टी जो हिंडर करती है मेरी फ्लो को, इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को, उसको क्या कहा जाता है, रेजिस्टेंस, डिफाइन एज आर। मानते हो इतनी बात तो मेरी, मानते हो। रेजिस्टेंस की यूनिट अगर मैं बात करूं तो ओम या फिर ओएचएम, ठीक है ना, ऐसे ही तो लिखते हैं ओम। Now, what is conductance? कहता है conductance is the nothing but the opposite property जो help करती है मेरी electricity को flow करने में। तो मैं ये बात कर सकता हूं, conductance is nothing but opposite of resistance। तो यहां पर आप लोगों को पता चला कि conductance, अच्छा please मैं confusion हटाने के लिए conductance को G से ले लेता हूं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग सी से लेते हैं, कुछ लोग जी से लेते हैं, मैं जी से ले रहा हूं क्योंकि कंसेंट्रेशन का सी और कंडक्टेंस का सी, आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। तो प्लीज क्या बात करी मैंने, कंडक्टेंस क्या होती है, दिस इज नथिंग बट अपोजिट ऑफ रेजिस्टेंस। तो कंडक्टेंस को किससे डिफाइन करते हैं हम लोग, जी से। रेजिस्टेंस को डिफाइन करते हैं हम लोग आर से, ठीक है। अब इसकी यूनिट क्या होगी, निकाल लो यूनिट, इन सबका इनवर्स, ओम इनवर्स ऐसे लिखो, या आप लोग कैसे लिख सकते हो इसको, ओ एच एम की पावर माइनस वन, या फिर फिजिक्स में इसको उल्टा भी लिखते हैं, मो एम एच ओ या फिर साइमंस। प्लीज एम एच ओ या साइमंस रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एस। इतनी चीज समझ आई। रेजिस्टेंस का उल्टा, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल मेरा क्या होता है, कंडक्टेंस। ये पहली चीज समझ आई, रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस के बीच में फर्क। ये आप लोगों के सामने इतना ही बेसिक डिफरेंस आप लोगों को केमिस्ट्री में हेल्प करेगा। आगे चल सकता हूं, चलिए अब नेक्स्ट चीज चलते हैं, इसी को ही आगे लेते हैं। प्लीज हम लोगों को ये चीज बहुत अच्छे से पता थी कि यार आपकी जो रेजिस्टेंस होती है वो लेंथ ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करती है, और जो रेजिस्टेंस होती है वो इनवर्स होती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। इन दोनों इक्वेशंस को मर्ज करके हम लोग ये लिख सकते हैं, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय A, और इस प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए आप लोगों ने क्लास 10th में रेजिस्टिविटी को इंट्रोड्यूस करा था, याद आ रहा है प्लीज। अरे ये एक्सप्रेशन तो आप लोग कर चुके हो, R क्या था मेरा यहां पे यार, रेजिस्टेंस, ये क्या था मेरा, रेजिस्टिविटी, या फिर आपकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या फिर आपकी क्या थी ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। याद करो क्लास 10th में समझाया था, रेजिस्टिविटी इज दैट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस व्हेन द लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इज 1 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली, या यूनिटी। मानते हो प्लीज, लेंथ ऑफ कंडक्टर और ये क्या था यार मेरा, एरिया ऑफ कंडक्टर। इतनी चीज याद है, ये क्वेश्चन याद आ रही है, चलो इसी की हेल्प से आज कंडक्टिविटी पढ़ाता हूं। तो चलिए
ये मुझे जरूर लिखनी थी, आप लोगों को याद कराना था, तो चलिए आइए क्या इक्वेशन थी मेरी, R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं इस इक्वेशन को इन्वर्स कर रहा हूं। इन्वर्स कैसे, 1 बाय आर इज इक्वल्स टू 1 बाय रो इन टू ए बाय एल। मानते हो मेरी बात? अभी आप लोगों ने पढ़ा 1 बाय आर को मैं कैसे रिप्लेस कर सकता हूं, जी। 1 बाय आर इज नथिंग बट जी। 1 बाय रो इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी इज योर के का पप्पा कंडक्टिविटी, प्लीज कप्पा कंडक्टिविटी। अब नेक्स्ट चलते हैं ए बाय एल, इतनी बात मानते हो? ध्यान से देख लेना, अब मैं कुछ नहीं कर रहा, कप्पा को एक साइड रख रहा हूं और बाकी सबको एक साइड। तो आइए, और इस एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिख सकता हूं, एल इधर आ जाएगा, ए इधर आ जाएगा, कप्पा इधर ही रहेगा, तो कप्पा इज इक्वल्स टू जी इंटू एल बाय ए। ये एक्सप्रेशन प्लीज ध्यान से देख लेना, बड़ा काम आने वाला तुम्हें इस एक्सप्रेशन में, ठीक है। के क्या है मेरी, कंडक्टिविटी। के क्या है मेरी, कंडक्टिविटी। जी क्या है मेरी, कंडक्टेंस। एल क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर 1 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ कंडक्टर। ए क्या है मेरा, एरिया ऑफ कंडक्टर। अब मुझे अगर कप्पा डिफाइन करना हो तो कप्पा इज दैट कंडक्टेंस, दोबारा, कप्पा इज दैट कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन व्हेन लेंथ ऑफ कंडक्टर इज 1 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्लीज ध्यान से समझ लेना, के क्या था मेरा, कंडक्टिविटी। जी क्या है मेरा, कंडक्टेंस। एल क्या है मेरा, लेंथ ऑफ कंडक्टर। ए क्या है मेरा, एरिया ऑफ कंडक्टर। प्लीज कंडक्टेंस, कंडक्टेंस है, कंडक्टिविटी बोलू या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलू, एक ही चीज है यार, प्लीज समझना। कंडक्टिविटी वो कंडक्टेंस है, कंडक्टिविटी वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है या एक ऐसी कंडक्टेंस है जब मेरा लेंथ 1 सेंटीमीटर है, किसकी, इलेक्ट्रोड्स की, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स इज योर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्लीज जितने लोगों को ये चीज समझ नहीं आई, मैं इसको डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से देखना। ये मैंने एक क्यूब ले ली, प्लीज इस क्यूब का बड़ा महत्व रोल है मेरी जिंदगी में, ध्यान से देखना। क्यूब ले ली, ठीक है, ये कितना है यार, 1 सेंटीमीटर, ठीक है, ये भी 1 सेंटीमीटर और इसकी हाइट भी 1 सेंटीमीटर, सब कुछ इसका 1 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके की रिपोर्ट है। एरिया निकालोगे तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, लेंथ लोगे तो 1 सेंटीमीटर आएगी, मानते हो। मैंने क्या करा, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस की जो कंडक्टिविटी होती है, मतलब इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट भरा, ठीक है, यहां यहां इसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भरा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर मेरी लेंथ होनी चाहिए कंडक्टर की, तो जो कंडक्टेंस निकल कर आएगी, जो कंडक्टेंस निकल आएगी मेरे इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की, उसी को मैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस का नाम दूंगा या कंडक्टिविटी का नाम दूंगा। होप मैं कुछ हद तक आप लोगों को समझा पाया। तो कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज दैट कंडक्टेंस व्हेन लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर या जो इलेक्ट्रोड्स के बीच की लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मानते हो मेरी बात? चलिए इतनी चीज समझ आई, अब इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। क्यूब पे ध्यान दिया ना यार, जब मैंने सब कुछ 1 1 1 रख दिया तो प्लीज मेरी चीज जो निकल कर आई वो क्या निकल कर आई, मेरी स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी या कप्पा, के का पप्पा। चलिए आगे चलते हैं, क्या फॉर्मूला निकला था आपका, कप्पा इज इक्वल टू जी इंटू एल बाय ए। कप्पा कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, सिंपल कंडक्टेंस, लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। कलेक्टिवली एल बाय ए को सेल कांस्टेंट का नाम भी दिया जाता है, क्या दिया जाता है, सेल कांस्टेंट का नाम भी दिया जाता है। क्यों, क्योंकि जब तक आप सेल चेंज नहीं करोगे तब तक सेल की डायमेंशन चेंज नहीं होगी। तो याद रखना, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल में आप एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स ले लो, के चेंज होगा, कंडक्टेंस चेंज होगी, मतलब कंडक्टिविटी भी चेंज होगा, कंडक्टेंस भी चेंज होगी, जो फैक्टर नहीं चेंज होगा वो एल बाय ए है, सेल कांस्टेंट चेंज नहीं होता जब तक आप सेल चेंज ना करो, ठीक है। तो यहां से एक और फॉर्मूला निकल कर आया, कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू कंडक्टेंस
इनटू आपका क्या सेल कांस्टेंट। प्लीज इसको छापिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल आता है इस पे। कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। इतनी चीज समझ आई, एक बार पॉज करके दोबारा देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ने से पहले तुम्हें स्पेसिफिक कंडक्टेंस पता होनी चाहिए क्या होती है। चलें, चल अब नेक्स्ट चलते हैं मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में, या मैं बोलूं कंडक्टिविटी सॉल्यूशन की जो मेरी कंसेंट्रेशन पे डिपेंड हो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पे डिपेंड हो, ठीक है, जो मेरी कंसेंट्रेशन पे डिपेंड हो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पे डिपेंड हो। डेफिनेशन भी करा दूंगा, समझा दूंगा डेफिनेशन क्या बोलता है, आंख बंद करके रेक्टा मारने की जरूरत नहीं है, समझाऊंगा, फिर रिलेशन भी डिराइव करा दूंगा कि मेरे कप्पा और डेली क्यू में क्या रिलेशन है। आइए प्लीज आगे चलते हैं, हेडिंग डालो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, पहले डेफिनेशन समझेंगे, नोट कर लेना। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को लैम्डा इक्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इजी लिख दिया, आई एम सो सॉरी, इक्यू इसको बोलते हैं लैम्डा, इसको इक्यू, ये भी एक लैम्डा ही होता है, लैम्डा इक्यू, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है। पहले समझना क्या कहता है, डेफिनेशन लिख देता हूं, प्लीज नोट करना, साथ साथ समझाता चला जाऊंगा, फिर इसको उस क्यूब से बताने की कोशिश करूंगा, फिर रिलेशन भी डिराइव कराऊंगा, ठीक है। तो पहले समझना, कहता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन एट डाइल्यूशन वी, मतलब उसमें वी एमएल आपका पानी है, वॉल्यूम है उसकी, ठीक है, इज इक्वल टू द कंडक्टेंस ऑफ ऑल आयंस प्रोड्यूस फ्रॉम वन इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट समझते हो ना, जैसे मोल होता है वैसे, वन इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूशन, वन इक्विवेलेंट अगर आपने सॉल्यूशन का ले लिया, वन ग्राम इक्विवेलेंट आपने सॉल्यूशन का ले लिया, तो उस जितने उसमें आयंस होंगे उनकी जो कंडक्टिविटी है वी डाइल्यूशन पर, कंडक्टिविटी एट वी डाइल्यूशन, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी सॉल्यूशन की एक वी वॉल्यूम पर, वी सेंटीमीटर का कर देता हूं मैं, वी वॉल्यूम है, मैं वॉल्यूम को किसमें लेना चाहता हूं, सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है, इज इक्वल टू द कंडक्टेंस ऑफ ऑल आयंस प्रोड्यूस फ्रॉम वन इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूशन सच दैट द डिस्टेंस, प्लीज समझाना हूं, समझाऊंगा इसे, द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड इज वन सेंटीमीटर, लिख लो इस चीज को, इज वन सेंटीमीटर एंड एरिया इज सो लार्ज, और कौन से एरिया की बात कर रहा हूं, जो इलेक्ट्रोड्स के बीच का एरिया है, एरिया बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, बिटवीन द इलेक्ट्रोड इज सो लार्ज दैट होल सॉल्यूशन इज कॉन्सेंट्रेटेड इन इट, कि सारा का सारा सॉल्यूशन उसमें फिट हो जाए। देखने में बड़ी भयंकर डेफिनेशन लग रही है, प्लस एक दो तीन बार इसको रीड करोगे फिर क्यूब से समझाऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट डाइल्यूशन वी, एक सॉल्यूशन की जिसकी वी सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, उसमें पानी है, वॉल्यूम है उस सॉल्यूशन का कुछ, उसमें जितने एक इक्विवेलेंट मैंने क्या डाला, वन ग्राम इक्विवेलेंट आयंस ले लिए, मतलब एक क्यूब ली मैंने, ठीक है, चलो बना ही देता हूं इसको, चलिए नोट कर लिया इसे, प्लीज बनाता हूं, ठीक है, नोट कर लेना डेफिनेशन, चलिए मैंने क्या बात बोली, प्लीज ध्यान से देखना, ठीक है, ये काम कराया मैंने, ओके की रिपोर्ट है, ठीक है, जो चीज मैं शेड कर रहा हूं ना वो मेरे इलेक्ट्रोड्स हैं, प्लीज जो फेस में शेड कर रहा हूं वो मेरे इलेक्ट्रोड्स हैं, जो ब्लैक से मैंने शेड करा वो मेरे इलेक्ट्रोड्स हैं, और उसके बीच में मेरा मतलब ये आगे वाली वॉल है इलेक्ट्रोड की, ये जो भाई काम करते हैं छोटी क्यूब बनाते हैं ज्यादा अच्छे से दिखेगा, ठीक है, ये मेरे इलेक्ट्रोड्स हैं, इस क्यूब में मैंने क्या लिया, वन ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ सॉल्यूशन,
एट v सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम. ठीक है, कंसेंट्रेशन ले ली मैंने, इसमें भर लिया. इलेक्ट्रोड्स के बीच का एरिया सिर्फ कितना होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर. और सारा का सारा सोल्यूशन इन दोनों, जो प्लीज जो शेडेड पार्ट है, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में आना चाहिए. मतलब इलेक्ट्रोड्स का एरिया इतना बड़ा होना चाहिए कि सारा का सारा सोल्यूशन उसमें फिट हो जाए. इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर को क्यूब 1 सेंटीमीटर हो, और जितने आयंस की जो कंडक्टेंस निकलेगी वही मेरी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होगी. ठीक है, चलो समझते हैं फिर आगे चलेंगे. दोबारा देखो, क्यूब समझ आई, 1 सेंटीमीटर इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिस्टेंस होना चाहिए. मतलब ये वाले इलेक्ट्रोड और इस वाले इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है. इनका एरिया इतना बड़ा है कि सारा का सारा सोल्यूशन मेरा इसके अंदर पूरा का पूरा आ गया, तो इसके जो आयंस की कंडक्टेंस होगी वही मेरी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होगी. गॉट इट. चलो अब नेक्स्ट चलता हूं कि यार तुम बोलोगे भैया 1 सेंटीमीटर तो आपने अभी कप्पा में भी लिया था तो उसमें क्या फर्क. तो प्लीज जेई वालों इस पे ध्यान देना, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं और रिलेशन बता रहा हूं. तो टॉपिक की हेडिंग डालो रिलेशन बिटवीन. चलो टॉपिक की हेडिंग डालो, बहुत इंपॉर्टेंट है जेई के लिए रिलेशन. कुछ ज्यादा नहीं है, छोटा सा टॉपिक है पर इंपॉर्टेंट है, दिखने में दिखेगा नहीं. रिलेशन बिटवीन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड कप्पा, सिंपल कंडक्टिविटी. कप्पा में क्या था, मेरी लेंथ ब्रेथ और हाइट क्यूब की सिर्फ 1 सेंटीमीटर थी. इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में पहला फर्क जो इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिफरेंस है वो ही केवल 1 सेंटीमीटर होना चाहिए. ठीक है, प्लीज ध्यान देना और तो और ध्यान दे लेना प्लीज. मैंने ये चीज कितनी ले ली यार, 2 सेंटीमीटर ले ली. ध्यान देना कितनी ले ली, 2 सेंटीमीटर ले ली. मतलब ये चीज 2 सेंटीमीटर, ये चीज 2 सेंटीमीटर, बाकी सब कुछ कितना यार मेरे बच्चे, 1 सेंटीमीटर. ठीक है ना यार, ओ सॉरी 2 इसको भी ले लेते हैं, 2 क्यूब्स बनेंगे. इसको भी 2 सेंटीमीटर ले लिया. ठीक है, मानते हो नहीं मानते, इतनी चीज समझ आई कि मैंने इसको भी 2 सेंटीमीटर ले लिया, इसको भी 2 सेंटीमीटर, बट जो इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिफरेंस है वो मुझे 1 सेंटीमीटर रखना है. किसकी स्टडी करने के लिए, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की स्टडी करने के लिए. ठीक है, अब कल को सवाल आएगा कि यहां पर जो आपकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है वो कितने टाइम्स है कप्पा के. आओ कप्पा के लिए क्या होना चाहिए, लेंथ भी 1, ब्रेथ भी 1 और हाइट भी 1. ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूं, समझ आई मैंने क्या करा. मैंने इस लेंथ को भी 2 पार्ट में डिवाइड करा, इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड करा. ध्यान से देखना अब मेरी कितनी क्यूब्स आ गई, 4 क्यूब्स आ गई, जिस सब का लेंथ ब्रेथ हाइट और 1 सेंटीमीटर है. मानते हो नहीं मानते, अरे यार इसको ऐसे काटा, इसको ऐसे काटा, ये तो वैसे ही 1 था. ये पूरी लेंथ कट के आधी हो गई तो 1 हो गई, ये पूरी लेंथ कट के आधी हो गई तो 1 हो गई. तो ऐसी 4 क्यूब्स आई मेरी इसमें. तो मेरी जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी थी, मतलब जो मेरी कंडक्टेंस थी सारे आयंस की, सारे आयंस की, कौन से आयंस, जब मैंने 1 ग्राम इक्विवेलेंट लिया, जैसे तुम 1 मोल लेते हो वैसे ही 1 ग्राम इक्विवेलेंट लिया, उसको 20 सेंटीमीटर क्यूब में डिसॉल्व करा. कंडीशन क्या थी, जो इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिफरेंस है वो 1 सेंटीमीटर होना चाहिए और सारा का सारा सोल्यूशन इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में आ जाना चाहिए. उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी. कप्पा क्या होता है, आपका जो कंडक्टर है उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट, या मैं बोलूं लेंथ 1 सेंटीमीटर हो जाए और एरिया ऑफ कंडक्टर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए. तो यहां से आप लोगों को कितनी क्यूब दिखी 1 सेंटीमीटर क्यूब की, भाई साहब 4. तो इस क्यूब से शायद मैं आप लोगों को रिलेशन समझा पा रहा हूं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और आपका सिंपल कंडक्टिविटी में. कंडक्टिविटी में सब कुछ, लेंथ 1 चाहिए, एरिया ऑफ कंडक्टर्स 1 सेंटीमीटर स्क्वायर चाहिए. इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में जो प्राइम चीज नोट करने के लिए, सिर्फ डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड शुड बी 1 सेंटीमीटर, बाकी आप कुछ भी ले सकते हो. ठीक है, आगे चले इसका फॉर्मूला देखते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का. फॉर्मूला फॉर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, फॉर्मूला फॉर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000/m. अब आधे लोग इसके सवाल करने में मेरे से यूनिट की गड़बड़ करवाएंगे. प्लीज ये सेम मोलारिटी है, सेम कंसेंट्रेशन है, कोई चेंज नहीं है. मोल पर लीटर ये सेम क्या है, मेरी कंसेंट्रेशन है जिसमें, ओ सॉरी इक्विवेलेंटली, आई एम सो सॉरी, ये नॉर्मेलिटी है, आई एम सो सॉरी,
इक्विवेलेंट में क्या आएगा, कप्पा इंटू 1000 बाय एन, वेयर एन इज माय नॉर्मैलिटी, और नॉर्मैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, ऊपर 1000 रहेगा ही रहेगा, यहां सेम सिंपल जैसी नॉर्मैलिटी की यूनिट है वही यूनिट चलानी है। ठीक है, आओ ये क्या है मेरा स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी। अब मुझे इसकी यूनिट डिराइव कर दोगे, आओ देखो ये क्या है मेरी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, कप्पा की यूनिट क्या थी, कप्पा की यूनिट आधो ने डिराइव ही नहीं करी होगी, चलो पहले कप्पा की यूनिट डिराइव कर लेते। कप्पा इज इक्वल्स टू जी एल बाय ए, जी की क्या थी ओम इनवर्स, ये सेंटीमीटर था ये सेंटीमीटर स्क्वायर था, अगर लगाते तो क्या आती ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और ओम इनवर्स को ही साइमन बोलते हैं, तो यूनिट आ गई साइमन सेंटीमीटर इनवर्स कप्पा की, छाप लेना मुझे लगा निकाल बैठे होगे तुम। ठीक है, कप्पा की यूनिट है, नॉर्मैलिटी यूनिट खोल लेता हूं और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की यूनिट निकाल लेता हूं, प्लीज ध्यान देना, डन। चलो कप्पा की यूनिट मेरे सामने आई सीमन सेंटीमीटर इनवर्स, 1000 की कोई यूनिट नहीं होगी, नॉर्मैलिटी की क्या होती है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। यहां पर आपको क्या लेना पड़ेगा सेंटीमीटर क्यूब, ऊपर क्योंकि 1000 का फैक्टर चल रहा है, ठीक है ये ऊपर, तो क्या आ गई आपकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की यूनिट सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 3 ऊपर जाएगा माइनस 1 2 इक्विवेलेंट इनवर्स। प्लीज हाथ जोड़कर विनती है, जो सिंपल नॉर्मैलिटी चल रही है वही नॉर्मैलिटी लेना इक्विवेलेंट पर लीटर वाली। ठीक है, यहां वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में था, डेफिनेशन में बता दिया था वी सेंटीमीटर क्यूब में, तभी मेरा 1000 का फैक्टर चला। ठीक है, जो सिंपल नॉर्मैलिटी निकालते हो वही नॉर्मैलिटी जो दे रखी है, कोई कन्वर्जन वनवर्जन मत करना सवाल में, छापा चलो। अब सेम चीज है मेरी मोलर कंडक्टिविटी, बस जहां आप लोगों ने ग्राम इक्विवेलेंट्स लिखा है ना डेफिनेशन में उसको हटाकर मोल्स कर देना। आओ नेक्स्ट है मेरी क्या यार, मोलर कंडक्टिविटी डेल एम, ये इंपॉर्टेंट है प्लीज, इसके सवाल आते हैं। फिर से वही चीज कि अगर मैं वी सेंटीमीटर क्यूब में एक सोल्यूशन लू और उसमें एक मोल इलेक्ट्रोलाइट डालू, वन मोल एक मोल इलेक्ट्रोलाइट डालू, तो उसके आयंस की जितनी कंडक्टेंस होगी द नंबर ऑफ द कंडक्टेंस ऑफ नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सच दैट द एरिया बिटवीन द इलेक्ट्रोड इज सो लार्ज दैट द होल सोल्यूशन इज कंसेंट्रेटेड टू इट, वही सेम डेफिनेशन है, बस उसमें इक्विवेलेंट की जगह मोल्स को रिप्लेस करना है आपने।